हेलो दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ फाउंडेशन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग एकदम बेसिक से हाई मैथ पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने पूरी एक हफ्ता सिर्फ इस पे दिया है। क्या पूरी सिलेबस, पूरी इसका पूरी इस एग्जाम का पूरी सिलेबस हमने निकाला। उसके बाद हर सिलेबस का एक एक टॉपिक मैंने मिलाया, हर चैप्टर में मैंने देखा कितने चैप्टर कॉमन है। लगभग इस पूरी जितनी एग्जाम है मैंने इसे 30 चैप्टर निकाला है और इसमें लगभग 20 से 22 चैप्टर केवल कॉमन है। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, लगभग एक हफ्ता के बाद मैंने देखा हर एक चैप्टर का। इसमें जैसे कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें वो लाभ हानि होगा, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और टाइम स्पीड हो गया, टाइम एंड वर्क, लगभग बहुत सारे चैप्टर जो थे इन सभी एग्जाम में कॉमन थे। तो मैंने क्या किया फ्रेंड, सभी कॉमन एग्जाम को पहले मैंने एक तरफ लिख दिया। उसके बाद क्या, जो जैसे रेलवे के एग्जाम है उसमें लगभग 5-6 चैप्टर अलग से मैथ का जुड़ा हुआ है। उसी तरह बैंक में गए, बैंक में भी 1-2 चैप्टर अलग से था। सब चैप्टर को मैंने एक साथ ऐड किया। उसके बाद 30 चैप्टर आपको पढ़ना है मैथ का फ्रेंड। तो उसके पूरा एनालिसिस करने के बाद फ्रेंड मैंने 30 चैप्टर निकाला और पूरी फ्रेंड एकदम बेसिक से मैथ स्टार्ट करेंगे। और ये भी बताएंगे फ्रेंड, अगर मान लीजिए हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो नंबर सिस्टम से कितना क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड एग्जाम में और किस टाइप का बनेगा। लगभग नंबर सिस्टम से लगभग फ्रेंड 8 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो वो पूरी 8 टाइप बताएंगे फ्रेंड, 8 टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, वो भी बिल्कुल बेसिक से फ्रेंड। और इस पूरी एग्जाम जो लिखे हैं फ्रेंड SSC, अब SSC में जान लीजिए फ्रेंड, लगभग SSC में कितने एग्जाम होंगे, CGL होगा, उसके बाद CHSL होगा, CPO होगा, ठीक है फ्रेंड, स्टेनोग्राफ ने एग्जाम होते हैं। उस सभी एग्जाम को लेकर मैंने सिलेबस को एक साथ मतलब ऐड किया हूँ। ऐड करने के बाद देखा हूँ बैंक, SSC, रेलवे, UPSC, UP पुलिस, लेखपाल, UPSSC, UP BED, UP TET, CTET, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, DRDO, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम फ्रेंड। मैंने पूरी एग्जाम का मैथ का सिलेबस निकाला। उस पूरी सिलेबस मैंने देखा जो सिलेबस कॉमन था मैंने उसको अलग लिख लिया फ्रेंड। अलग लिखने के बाद इसके बाद मैंने एक चीज और नोट किया कि देखे कि मान लीजिए रेलवे के मैं देखे तो 4 चैप्टर जो था इससे अलग था, तो मैंने क्या किया उसको नीचे ऐड कर लिया। फिर मैं हमने बैंक में गए फ्रेंड, तो बैंक में देखा तो उसमें भी 2 चैप्टर अलग था तो उसको भी ऐड कर, ऐसे जोड़कर लगभग फ्रेंड आपको 30 चैप्टर पढ़ना है, वो भी एकदम बेसिक से फ्रेंड पढ़ाएंगे। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे फ्रेंड। अब मैं आपको गारंटी देता हूं फ्रेंड, अगर आप लोग एक बार मेरे साथ जुड़कर पूरी मैथ पढ़ लेते हैं तो फ्रेंड बोलता हूं आप SSC में 25 में 25 क्वेश्चन लाएंगे, अगर रेलवे में जा रहे हैं तो 35 में 35 क्वेश्चन आएंगे पूरी फ्रेंड, अगर बैंक में जा रहे हैं तो बैंक में पूरी को एकदम बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक से फ्रेंड आपको हाई लेके जाएंगे, ठीक है फ्रेंड, एकदम बिल्कुल। फिर आप लोग बस क्या कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल में वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, तो समझ जाइए फ्रेंड, इसको एकदम हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, आपको थोड़ा सा भी टेंशन ले लेना है, टेंशन मेरा है फ्रेंड, एकदम एक ही क्वेश्चन आपको बढ़िया से डिफाइन करके फ्रेंड हम समझाएंगे एकदम। आप बिल्कुल बस आपका काम क्या है, हम जो भी रोज वीडियो अपलोड करते हैं बस उसको टाइम टू टाइम आपको देखना, उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फ्रेंड मेरे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं फ्रेंड कोई भी प्रॉब्लम हो। तो फ्रेंड्स, आज यही हम लेके आए थे आपको पूरी एनालिसिस करने के लिए फ्रेंड, एक हफ्ता लगाए थे फ्रेंड, बस इसको हम पूरी हर एक एग्जाम का लेखपाल, UP TET, हर एग्जाम का अलग अलग हमने सिलेबस निकाला था फ्रेंड, हर सिलेबस को अलग अलग लिखा। लिखने के बाद फ्रेंड मैंने देखा कि हर एक सिलेबस में अलग अलग चैप्टर में देखे कुछ कॉमन मिला, उस कॉमन को मैंने अलग रख दिया, उसके बाद जो अलग चैप्टर में उसको नीचे रख दिया। तो वही पूरी चैप्टर में आपको सबसे पहले फ्रेंड मैं इसको कॉमन चैप्टर लिखता हूँ, उस पूरी कॉमन चैप्टर की लिखने के बाद आपको नीचे उसका लिखूंगा जो अलग से चैप्टर है बैंक में, जैसे रेलवे में, बाकी ये जितना UP TET, UP पुलिस, DRDO, इस सब का इस चैप्टर बहुत कम है, लेकिन इनका कुछ चैप्टर अलग है, रेलवे का कुछ अलग है, बैंक का कुछ अलग है, UPPCS में, तो समझिए हम लोग जो SSC का लेवल पढ़ रहे तो उतना बहुत है उसको मैथ प्री निकालने के लिए। जी फ्रेंड बिल्कुल आप टेंशन नहीं, चलिए अब हम इसका सिलेबस लिखते हैं फ्रेंड पूरी एग्जाम का, एकदम फ्रेंड आप एकदम बेफिक्र रहिए, एकदम बढ़िया से पढ़ाई होगा फ्रेंड,
बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ये गारंटी है आपका मैथ में 100% लाने की जिम्मेदारी मेरी है फ्रेंड। चलिए आइए अब चलते हैं एक ही इसकी सिलेबस को लेकर आपको एनालिसिस करते हैं फ्रेंड कि जैसे नंबर सिस्टम बताएंगे तो इससे नंबर सिस्टम क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के टाइप आएगा, ये सब फ्रेंड आपको पूरी तरह से बढ़िया से जानकारी देंगे फ्रेंड। चलिए आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब चलिए एक ही चैप्टर का हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने प्रकार का कितने टाइप का क्वेश्चन एक चैप्टर से बनता है। देखिए फ्रेंड पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम यानी फिर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। फ्रेंड ये चैप्टर सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसे हर एक एग्जाम में फ्रेंड्स हर एक एग्जाम में कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ना पूछता हो फ्रेंड, कम से कम एक या दो, कम से कम बता रहे हैं फ्रेंड एक या दो क्वेश्चन पूछेगा। और नंबर सिस्टम से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, आठ प्रकार के, इससे आठ टाइप्स का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। उसको हम एक एक टाइप करके एक टाइप में जितना क्वेश्चन है वो हम पढ़ाएंगे, फिर दूसरे टाइप ऐसे टाइप वाइज टाइप फ्रेंड आपको करके हम पढ़ाएंगे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ये दूसरा है एलसीएम एंड एचसीएम, इससे फ्रेंड सात टाइप के क्वेश्चन बनेगा, सात प्रकार क्वेश्चन बने, हर एग्जाम में इससे भी एक से दो क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड। अब देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, इससे पांच टाइप के क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, पांच प्रकार के इससे क्वेश्चन बनता है। और देख लीजिए फ्रेंड उसके बाद घात घटांक एवं कर्णी फ्रेंड, इससे भी कितने क्रम क्वेश्चन बनते हैं, छह प्रकार के क्वेश्चन फ्रेंड्स। और आगे देखते हैं कौन कौन चैप्टर पढ़ना है हम लोग को फ्रेंड्स, देखिए ये क्या है, इसके बाद क्या आएगा एवरेज यानी औसत, औसत फ्रेंड्स हम लोगों को लगभग हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन इससे भी पूछता है फ्रेंड, अधिक ही चला जाता है। और इससे कितना क्वेश्चन कितनी प्रकार से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, दस प्रकार के यानी कि दस टाइप का क्वेश्चन इससे औसत से बनता है फ्रेंड। उसके बाद आइए देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये फ्रेंड इस सब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर सब, इससे हर एक एग्जाम में सब ये कॉमन चैप्टर है फ्रेंड, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। देखिए फ्रेंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछता है, दस क्वेश्चन फ्रेंड, इससे दस क्वेश्चन दस प्रकार के यानी कि दस प्रकार से क्वेश्चन बना के इससे पूछता है यानी दस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए परसेंटेज, इससे फ्रेंड देखिए कितना प्रकार क्वेश्चन बन रहा है, ये देखिए फ्रेंड 15 प्रकार से क्वेश्चन ये बनता है परसेंटेज फ्रेंड, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। और प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखिए फ्रेंड 15 प्रकार से क्वेश्चन बनता है, और ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो फ्रेंड जिसमें तीन से चार क्वेश्चन ये ना पूछता हो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज। उसके बाद देखिए फ्रेंड डिस्काउंट, इससे देखिए फ्रेंड ये छह क्वेश्चन इससे बनता है, ये तीनों एक ही चैप्टर, ये तीनों आपको इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इससे पढ़ेंगे तो कम से कम सात से आठ क्वेश्चन समझिए हर एग्जाम में आपका एकदम पक्का हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। देखिए और आगे हम लोग देखते हैं टॉपिक पे, देखिए फ्रेंड उसके बाद क्या है सिंपल इंटरेस्ट साधारण अभ्यास फ्रेंड, छह प्रकार से क्वेश्चन बनता है टाइप सबसे यानी छह प्रकार से क्वेश्चन टाइप बनता है, इससे छह तरह से क्वेश्चन पूछता है, वो पूरी टाइप हम बताएंगे फ्रेंड आपको विस्तार से, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, छह प्रकार से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड, छह टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है फ्रेंड, कहने मतलब ये हमारे, ठीक है। टाइम एंड वर्क यानी कि टाइम एंड वर्क फ्रेंड सात प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, सात तरह से क्वेश्चन बनेगा टाइप क्वेश्चन का टाइप, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड पाइप एंड स्ट्रिप्स, इससे क्या बनेगा नल और हौज यानी कि इससे चार प्रकार क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड समय और कार्य ये दोनों एक ही एक चीज पढ़ाएंगे तो ये भी आपका हल हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। बहुत विस्तार पढ़ाएंगे, बस आप एक बार स्टार्ट होने दीजिए फ्रेंड, तब आप देखते रहिए पढ़ाने का तरीका, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, इससे फ्रेंड ग्यारह प्रकार क्वेश्चन बनता है, देख रहे हैं फ्रेंड प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज बस दूसरा नंबर पे आई, इतना प्रकार ग्यारह प्रकार क्वेश्चन इससे बनता है। और देखिए फ्रेंड बोट एंड स्ट्रीम से देखिए फ्रेंड नाव और धारा से चार प्रकार क्वेश्चन बनता है, ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं और आगे देखते हैं टॉपिक फ्रेंड, ये सब कॉमन चैप्टर है, ठीक है फ्रेंड, देखते हैं फ्रेंड। उसके बाद क्या था अनुक्रम एवं श्रेणी, ठीक है फ्रेंड शुरू जी, इससे पांच टाइप का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, इससे पांच प्रकार। उसके बाद देखिए अलजेब्रा, अलजेब्रा फ्रेंड पांच टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्री, इससे भी पांच प्रकार, ये सब अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री इतना विस्तार से फ्रेंड पढ़ाएंगे, इतना विस्तार से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसने वाला फ्रेंड, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। उसके बाद आप देखिए आगे, अब देखिए फ्रेंड उसके बाद क्या है ज्योमेट्री, इससे कितने तेरह प्रकार क्वेश्चन आता है, देख रहे हैं फ्रेंड, ये ज्योमेट्री हुआ और मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, ये दोनों से लगभग तेरह और चौदह सोलह प्रकार क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, ठीक है। ये देख लीजिए इतना प्रकार टाइप का क्वेश्चन, हर एक टाइप क्वेश्चन विस्तारेशन फ्रेंड, इससे आठ टाइप का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए क्या होता है संख्या और समांकों की व्याख्या, मतलब इसमें संख्याओं की जो कि सांख्यिकी बताया जाएगा कि आंकड़ों का निकालना फ्रेंड। और इसके बाद देखिए फ्रेंड क्या होगा मिसलेनियस,
मिसलेनियस यानी पूरी चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन बनेगा, उससे छह टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो भी बताएंगे फ्रेंड। आगे देखिए क्या है, पॉलीनिमर्स यानी बहुपद फ्रेंड, इससे चार टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है फ्रेंड। और आगे देखिए क्या संचय, कम से संचय भी इससे की फ्रेंड एसएससी में तो नहीं है लेकिन और रेलवे में है, इसलिए हम फ्रेंड सब मिलाए हैं। इसलिए क्या किया, जो कॉमन चैप्टर था फ्रेंड उसको हम अलग किए, और जो जिस हर एग्जाम में देखे मिलाए एनालिसिस किए, उसके बाद देखे जो अलग चैप्टर उसको क्या किया इसमें लिया के जोड़ दिए फ्रेंड। और इसमें पांच छह चैप्टर और है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद कल से हम लोग एकदम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये हम लोग का तीन चार चैप्टर और क्या है, डाटा सफिशियंट, आंकड़ों का पर्याप्तता, अंश और लाभांश, स्टेप्स एंड डिवीजन, और बार क्या है प्रॉब्लम ऑन एज, इससे संबंधित छह क्वेश्चन पूछता है, छह टाइप का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, इससे चार टाइप का क्वेश्चन बनता है, इससे पांच प्रकार का, इससे छह प्रकार का फ्रेंड, और सीरीज से चार प्रकार का फ्रेंड। अब हम लोग का पूरा चैप्टर लगभग सिलेबस हम आपको बता दिए फ्रेंड, अब कैसे पढ़ाने वाले ये भी हम आपको समझा चुके हैं फ्रेंड। कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, और एकदम बेसिक से फ्रेंड, एकदम बेसिक से आपको एक एक पॉइंट एक एक बिंदु हम बताएंगे फ्रेंड, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। उसके बाद आगे मेरा गारंटी है फ्रेंड्स, आपको कोई भी एग्जाम हो जितना भी लिखवाए हैं सब में 100 to 100 मार्क लाना मेरा काम है, बस आप मेरे साथ जुड़ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स अगर हम कुछ भी यहाँ पर आपको बताते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम बताते हैं, उसमें कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है उस पर आप भेज सकते हैं, और उसको हम पर्सनली आपको देकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फ्रेंड, ठीक है। बस इतना ही फ्रेंड, अब मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।